लाओ। ओके लाओ, दरवाजा बंद कर देना। हम लोगों ने देखा था कि दो तरीके के सेल होते हैं, कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस देखो। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, देयर न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड। और इसमें क्या है, देयर न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड, ठीक है। और जो इनका न्यूक्लियर वेल डिफाइंड नहीं है, दीज आर नॉट कवर्ड विद एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, कोई उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सो इट डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं है। और जबकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है? जीन का मतलब एक कोड है जिससे उसके अंदर नया पूरा फीचर आता है बैक्टीरिया का। जैसे हम लोगों में भी एक न्यूक्लियस के अंदर जीन होता है जेनेटिक, उसी से तो हम लोग वही बनते हैं जो अपने मम्मी पापा जैसे होते हैं। तो एक जेनेटिक मटीरियल है, उसे डीएनए कह सकते हो, कंडेंस हो गया तो उसे क्रोमोजोम कह सकते आ जाइए, ठीक है कि नहीं ना? तो ये अब ये देखो, तो इसमें क्या बताइए, इट डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके ऊपर है कोई मेम्ब्रेन है रियान? नहीं है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इसी तरीके से जेनेटिक मटेरियल फ्रीली फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म, ये अंदर तैर रहा है ना। तो जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल फ्रीली फ्लोट्स, फ्रीली फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म, इन सब में ऐसा होता है। जबकि इट्स न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड, और क्या होगा, इट हैज डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय, किससे बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड है, बाउंडेड बाय किससे बताओ, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और उस चीज को न्यूक्लियर रीजन को इसमें न्यूक्लियस कहा जाता है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इसमें क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड वही है जो जेनेटिक मटेरियल है। तो जैसे न्यूक्लियस का काम है वही न्यूक्लियोइड का काम है। लेकिन अभी ये बिल्कुल पहला है, दिस इज द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड के जो पहले ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया ही है। और इनमें क्या होगा बोलो, तो इनमें जो न्यूक्लियस है उनके अंदर क्या क्रोमोसोम होंगे, और क्रोमोसोम होंगे तो उनके ऊपर एक रीजन होगा, क्रोमोसोम भी हो सकते हैं खुले भी हो सकते हैं ना, हमने ये भी देखा था कि खुले भी हो सकते हैं। और इसके अंदर सबसे अंदर क्या होगा बोलो, न्यूक्लियस होगा। सो इस तरीके से ये डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियस कहेंगे, और जबकि इसमें क्या कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल फ्रीली फ्लोट्स है, और दिस रीजन इज कॉल्ड, न्यूक्लियर रीजन को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड
न्यूक्लियोइड, तो बुक में देख लो इसमें न्यूक्लियोइड लिखा भी है, पहली बात हो गई। दूसरी चीज क्या है, डिफरेंस क्या है, ये है न्यूक्लियस और इसके अंदर है न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है और जिसमें डबल मेम्ब्रेन ना हो ये खुले तैरता रहे तो न्यूक्लियोइड, तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड है, इसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो कि ये प्रोकैरियोटिक सेल जनरली छोटे होते हैं 1 to 10 माइक्रोमीटर, तो दीज आर जनरली बैक्टीरिया बहुत स्मॉल होते हैं, तो 1 to 10 माइक्रोमीटर, जरा इस पर ध्यान दें, इसका मतलब है 1 × 10⁻⁶ × 10⁻⁶ मीटर, या इसे ये भी कह सकते हैं 1 μm to 10 μm। ये ध्यान दीजिए कि जो 1 μm है वो 10⁻⁶ मीटर, तो जहां पर मैं ये लिख रहा हूँ इतने मीटर, तो उसकी जगह क्या तुम माइक्रोमीटर भी लिख सकते हो, देखो इस वाले की जगह इसको माइक्रो कहते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर भी जो लिखा है, तो ये 1 μm से 10 μm तक होता है। इसका मतलब समझो, क्या तुम्हें मालूम है कि 1 मीटर, तुम जानती हो एक मीटर का हजारवां हिस्सा क्या होता है, मिलीमीटर, मिली का मतलब 1000 और सेंटी का मतलब 100, अगर 100 पार्ट्स कर दो, ये ध्यान दो कि मान लीजिए ये हमारे पास मीटर है और इस मीटर में 100 पार्ट्स है, यहाँ 100 लिखा है मालूम है, तो 100 सेंटीमीटर हो गए, तो बोलो इसके 100 पार्ट को क्या कहेंगे, 1 cm, और उसमें और 10 पार्ट कर दो, तो फिर सब में 10 पार्ट कर दो, हजारवां हिस्सा हो गया, तो हजारवें पार्ट को मिली कहेंगे, मिली का मतलब 1000 पार्ट, अब वो जो 1 mm है उसके भी 1000 हिस्से करो तब जाके 1 μm होगा, तो हजारवें का हजारवां कर दिया जाए तो 10⁶ हो जाएगा कि नहीं, दैट इज द साइज ऑफ बैक्टीरिया, ओके, सो बैक्टीरिया का साइज क्या हुआ 1 μm, तो ये भी कह सकते हैं 1/1,000,000 of 1 meter, ऐसा भी कह सकते, तो और जबकि इसका साइज क्या है, जनरली लार्जर, वैसे 5 μm से ये 100 μm तक होते हैं, इसमें जब ये सबसे पहले बना फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बैक्टीरिया था, अब धीरे धीरे उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो टूट टूट के वो धीरे धीरे कभी चींटी बन गया, कभी हाथी बन गया, और हमें 23 बार टूटा है, तो हमें 23 क्रोमोसोम्स हो गए, तो कितना टूट रहा है, अगर ह्यूमन में कभी ऐसा हो अल्ट्रावायलेट रेस पड़ जाए और बच्चे का टूट जाए जेनेटिक में, और 24 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है, तो हो सकता है नई स्पीसीज का निर्माण हो जाए, अगर वो सर्वाइव कर गया तो, नहीं कर गया तो स्पीसीज नहीं बनेगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन अभी तक ये बात है क्योंकि जितने ह्यूमंस हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम स्पीसीज कहलाती है, तो सभी ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, सभी चीटी में 80 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, सभी हाथी में 13 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, इतनी बात समझ में आ गई, तो इस तरीके से इसमें सिंगल क्रोमोसोम है, फिर इसमें क्या है बोलो, एक क्रोमोसोम है, इसमें कई होंगे क्योंकि टूट टूट के बने, ये तो बाद में बने ना, तो इसमें क्या होगा बोलो, इट हैज सिंगल क्रोमोसोम और इट हैज मोर देन वन क्रोमोसोम, माइक्रोमीटर में एम पहले कैपिटल होता है फिर स्मॉल होता है, कहां पे बताओ सर, ये एम नहीं है, दिस इज ये माइक्रोमीटर, समझ आ गई, अब जरा देखो लंबा होता है, आप इसके सिंबल को ऐसे समझ लें कि माइक्रोमीटर का सिंबल आप देख लें तो आपको पता चल जाए, ना बुक में बना हुआ है माइक्रो, देख लीजिए तो ऐसे आगे लिख के और फिर ऐसे यू बना दे ऐसे, ठीक है बुक में दिया है कि नहीं, आप देखो ये बड़ा है, तो मोर देन वन क्रोमोसोम,
अच्छा इसमें क्या होता है बताइए, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। तो बैक्टीरिया के अंदर हमने आपको क्या दिखाया था, क्या बैक्टीरिया के अंदर तुमको कुछ मिला था, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं था। ये देखो इन सब में क्या था, इन सब में सेल ऑर्गेनल था, और इसमें कोई था, हमने ये दिखाया था कि सिर्फ सेंटर में एक जेनेटिक मटेरियल फ्लोट कर रहा है, कुछ तो था नहीं ना। तो सेल ऑर्गेनल सबसेंटर, ये देखो कुछ है इसमें नहीं है, सेल ऑर्गेनल सबसेंटर इसमें देखो कितने सारे हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल सबसेंट, मेम्ब्रेन बाउंड, तो इसमें साइटोप्लाज्म में अदिति क्या तैर रहा होता है बैक्टीरिया में जो कि प्रोकैरियोटिक है, बोलो राइबोसोम, इसमें सिर्फ राइबोसोम तैर रहा होता है। तो इसलिए ऐसा तुमने कैसे बताया, क्योंकि हो सकता है तुमने डायग्राम देखा हो, ऐसे तुम ऐसे कैसे बता सकते हो, तुमने चोरी चुप के डायग्राम देख लिया, बुक देखो जरा, बुक खुली है कि बंद, तो देखो उसमें लिखा राइबोसोम, तो उसमें क्या तैरना होता है, बोलो राइबोसोम, वो सेल ऑर्गेनेल है नहीं। अब इन सब में बहुत कुछ होता है, एक चीज बताओ कि इसमें ये चीज क्या आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो इट ये क्या है बताइए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ, आना सेंटेंस पूरा करो, एंड बहुत अच्छा, तुम तो मेरा दिल खुश कर दी, दैट इज इट इज द, तो लिपिड ही फैट है, सो दिस इज, ये किसका साइट है बोलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दैट इज प्रोटीन भी बनेगा और क्या बनेगा, अच्छा ये बताओ निखिल, जिसके ऊपर राइबोसोम आके बैठ गए हो, तो यहाँ पर राइबोसोम किसी किसी पे बैठ जाएंगे, राइबोसोम कहाँ से निकलते हैं निखिल, ये भी बता दो, न्यूक्लियोलस, इससे ना दिखाया था, फिर दिखा देंगे, इससे निकलते ठीक है, और न्यूक्लियोपोर से निकलते बाहर आ जाते, इस पे बैठ जाते हैं, तो जिसके ऊपर राइबोसोम बैठे हैं प्रद्युम्न में, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या बनेगा, बोलो सर, जिस पे बैठे हैं उनसे लिपिड्स और फैट्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हां तो उससे बनेगा क्या, उस पे क्या बनेगा, उससे प्रोटीन बनेगा, और जिस पे नहीं फैट दोनों को बोल रहा हूं, दोनों तो वो भी बोल रहा था, जिस पे बैठे हैं उस पे प्रोटीन बनेगा, और जिसपे नहीं बैठे लिपिड बोलो चाहे ऑयल बोलो चाहे फैट बोलो चाहे घी बोलो चाहे तेल बोलो सब एक ही, तो इस पर बनेगा, ये आ रही आ रहा है, अरे समझ में आ गई बात की नहीं, तो ये सब इसके ऑर्गेनल है, तो सेल ऑर्गेनल है। अच्छा प्रोटीन बन गया, तो क्या प्रोटीन को पैकिंग भी होगी, गोल्जी ऑपरेटस है, तो इसमें क्या होगी, ये कुछ वेसिकल्स या बैग है, तो ये प्रोटीन इसमें भेजा जाएगा और इनमें पैकिंग होगी, पैकिंग होने के बाद क्या ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेज दिया जाएगा, क्या तुमको ये बात मालूम है कि किसी भी या प्लांट सेल में कहीं खाना भी बनता है जिसके में क्लोरोफिल होता है, तो ये बात सही है, तो मान लीजिए कि ये ग्रीन कलर का ऐसा होगा और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हमने कभी दिखाए हैं रोटी जैसे स्ट्रक्चर जिसमें काम होता है, तो ये इसके अंदर सनलाइट से खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है, तो इसको क्या कहेंगे बताओ, क्लोरोप्लास्ट, क्या कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में आना क्या बनता है, इसमें क्लोरोफिल है लेकिन बनता क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज बनेगा ठीक है, अब ग्लूकोज बनेगा और फिर उसके बाद प्लांट उसे जब स्टोर करेगा तब स्टार्च के तौर पर करेगा, बनेगा ग्लूकोज स्टार्च का अलग फार्मूला, तो ये समझ आ गया, इसमें खाना बनेगा और खाना तोड़ा कहाँ जाएगा, बोलो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद यहाँ पर कुछ रेड स्ट्रक्चर भी मिलेंगे, ये देखो
तो इसमें खाना बना, यहाँ ग्लूकोज बनता है अदिति, और वही ग्लूकोज यहाँ तोड़ा जाएगा। ग्लूकोज के टूटने से इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि सेल का सारा काम काज चलेगा। सो ये है दैट इज एनर्जी यहाँ जनरेट होती है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल इसे क्या कहते हैं। जरा इसमें तुम बता सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, जो रेड कलर, जहां पर पावर हाउस, जहां पर एनर्जी बनती है, जहां ग्लूकोज तोड़ा जाता है। और कितने माइटोकॉन्ड्रिया जरा देख के बताओ, तीन है सर। ये बताओ इसमें कितने प्लास्टिक्स हैं, दो। और माइटोकॉन्ड्रिया देख के बताओ सर, प्लास्टिक्स तीन है। कहां है पता नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया देखो तीन है, वो कटा हुआ है दिस सेक्शन। इसमें प्लास्टिक का पता करो कहां है, और माइटोकॉन्ड्रिया लेफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां है, और जिसका कोई कलर नहीं है उसे ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिक से एक वो चीज होती है जिसमें या तो कलर हो सकता है, उसमें बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, प्लांट्स को खुशबू देना, खाना बनाना, तो या तो कलरफुल है तो क्रोमोप्लास्ट, और कलरलेस है तो ल्यूकोप्लास्ट। जो कलरफुल है ऐसे एक क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, अगर वो हरे रंग का है। अच्छा अब मुझे बताओ इसमें कितने प्लास्ट को है, क्लोरोप्लास्ट बताओ, लेकर बताओ ना, एक तो बाकी कटे हुए नहीं है। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं से क्लोरोप्लास्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, समझ में आया। बताओ का काम क्या है, खाना बनाना, तो इसका काम है ग्लूकोज को तोड़ना, इसका काम है ग्लूकोज बनाना, इसको तोड़ना। क्लोरोप्लास्ट पहचानो, क्लोरोप्लास्ट पहचानो से, और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ग्लूकोज छूटता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट उंगली रखो, समझ आ गई आपको, आपने बताया था कितने क्लोरोप्लास्ट हैं, कितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं, कितने लाइसोसोम हैं, ये सर तक बात है। जो एंजाइम्स होते हैं सेल को खा जाते हैं, अगर मान लो इमरजेंसी क्लोरोप्लास्ट बताओ ना, डाइजेस्टिव यूज़ेज ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये जो हमने तुमको बता दिया है। मयंक एक और बात बताओ, ये क्या बताया, गॉल्जी ऑपरेटर्स क्या करेगा, जो यहाँ प्रोटीन बनेगा और लिपिड बनेगा उसको पैक कर देगा, तो सब जगह पहुंचाएगा। तो दिस इज, ये क्या है, गॉल्जी ऑपरेटर्स भी बोल सकते हो या बॉडीज, ठीक है। अर्षिता ये क्या है, बहुत अच्छा, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये जितने भी चीजें हमने आपको बताई हैं, दीज ऑल आर सेल ऑर्गेनल्स। वैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं लेकिन ये खुद ही टाइनी है, तो इसके ऑर्गन्स इतने छोटे हैं, तो ऑर्गेनल्स, सेल्स ऑर्गेनल्स। जैसे सेल में ई एल एल लगा तो ऑर्गेनल भी लगा लिया, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, और इसमें जितने भी है सब पे मेम्ब्रेन है, जितने भी हैं सबके ऊपर अलग अलग इंडिपेंडेंट मेम्ब्रेन है प्रोटीन और लिपिड की। तो इसका काउंटर सेंटेंस बोलो मैम, जैसे कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, आप बोलो आदित्य, गॉल्जी ऑपरेटर्स, माइटोकॉन्ड्रिया,
लेक्यून अभी अभी आपको सब दिखा के आए फिर तब हाँ क्यों बोले थे, ये सब सेल ऑर्गेनल्स हैं कि नहीं है? तो ये भी सेल ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ मैम। हाँ बोलिए, बताया करो। तो इस तरीके से देखो, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, सभी पे मेम्ब्रेन है, जितने भी हैं सबके ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन है। सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल दिव्यांश बताइए, इसका क्या एग्जांपल है? बैक्टीरिया, देर लगा देते हो। इसका कोई एग्जांपल बताओ दिव्यांश। प्लांट सेल भी हो सकती है, अमीबा भी हो सकता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, अमीबा। सर एग्जांपल डिफरेंस होता है, डिफरेंस नहीं होता, बट हम किसी दो चीजों को पढ़ रहे हैं, तो अगर आप एग्जांपल लिख दोगे तो गलत नहीं माना जाता। सर एग्जांपल डिफरेंस, सर आपने प्रोकैरियोट्स में लिखा था कि उनके जो जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो उन्हीं के अंदर ही मतलब रोम करते हैं, बट फिर यूकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस के अंदर वो तैरते रहते हैं, वो क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर जो इसमें होता है ना, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसमें वो तैरेगा, और ये साइटोप्लाज्म में ही तैरेगा। अच्छा, ये जो भी बैक्टीरिया है ये भी डबल सेल वॉल है, कैप्सूल वाला, इसके ऊपर सेल वॉल भी होगी। और कई बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो खाना भी बनाते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया भी। तो इतनी बात में पता चल गई। अब हम देखेंगे, देयर आर फोर कंपल्सरी पार्ट्स इन एवरी सेल, चार तो जरूर है ही हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, इसके अलावा और भी होंगे, पहले हम उन चार पार्ट्स के बारे में पता करें। नाउ कम टू व्हाट आर द फोर डिफरेंट पार्ट्स। तो पहली बात कही गई है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। पिछली बार से नहीं होता है, हम 10 बार भी पढ़ाएंगे तो हमें मालूम है पिछली बार क्या पढ़ाया था, फिर अगली बार क्या पढ़ाया। तुमको मालूम है ये जो तुम पढ़ रहे हो, ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यही एमएससी का भी चैप्टर है। अब 9 से शुरू के एमएससी तक जाएगा, लेकिन हर बार नई चीज पढ़ोगे, दैट इज मास्टर्स ऑफ साइंस, ठीक है, बैचलर्स ऑफ साइंस। तो ये नहीं है, वही तुम एटॉमिक मॉडल अभी पढ़ोगे थॉमसन का, और जब तुम वहां जाओगे एमएससी में पढ़ने तो उंगली जो तुम्हारी है स्लाइड करते करते फोन थक जाएगी, लेकिन थॉमसन नहीं खत्म होते हैं, 2.5 घंटे तक ऐसे सर्च करोगे थॉमसन। तो यही अभी इतने में, तो पिछली बार कल और आज में तुम बदल गए हो, उसी 24 घंटे में तुम आज अगले रियान हो जो 24 घंटे पहले नहीं थे, तो उसका परिवर्तन जान रहे हो, तो वो चीजें हर सेकंड चेंज हो रहे हैं। सो पहली चीज देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी पहला चैप्टर ही तुमको 5 बार पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो पहली बार का लेवल है फिर दूसरी बार का और होगा, 5वीं बार का तुम्हारा अल्ट्रा फाइन लेवल होगा, ये बात होता है। तो हमको मालूम है धीरे धीरे इंटेलेक्ट डेवलप होना, पहली बार में नहीं कि सब थोप दो, प्रेशर भी ना लगे और धीरे धीरे इंटेलेक्ट भी बढ़ना चाहिए, पेपर का टाइम दिखता होगा, तो उस चीज को देखते हैं। अब जरा देखो, जो हमने बताया अभी, ये सीजन है, ये जेई में सुधर है ना, ये टॉपर था KV2 का, जेई मेंस में 99 मार्क्स, मैथ्स में लाया है 99, आपको मालूम है ना 99 फिजिक्स में, 99 केमिस्ट्री में, हाँ, तो आप समझ लीजिए यहाँ भी तेजी थे। सो ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है और ये क्या काम करती है? इट नाउ सेपरेट्स द सेलुलर मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो ये सेल के मटेरियल को बाहर से अलग करती है। सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स में भी प्रेजेंट होती है।
सब में ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और सबका एक ही जैसा नेचर होगा। सारी जितनी भी मेम्ब्रेन है, ये जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल लिखी ना, सब प्रोटीन और लिपिड की है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज मेड ऑफ, ये किसकी बनी है, प्रोटीन एंड लिपिड। इट इज डबल लेयर्ड आउटर कवरिंग, डबल लेयर्ड आउटर कवरिंग ऑफ सेल, इसलिए इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये क्या करती है, इट सेपरेट्स द ये सेलुलर मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। इट सेपरेट्स द सेल मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। इट अलाउज सर्टेन सब्सटेंस टू गेट इनसाइड while disallows other substance to get inside। ये कुछ चीजों को आने देती है, कुछ को नहीं आने देती है, इसलिए इसको permeability का मतलब है आना जाना, permeable। जो कुछ selected को आने देती है तो इसको कहेंगे selectively permeable membrane। So it allows, ये कुछ को आने देती है certain substance to pass through cell, ठीक है, pass through it, but this allows other substance to pass, so it is called selectively। क्योंकि ये selected है अपने behavior में, किसी को आने दे रही है, तो तुम भी अपने घर में यही करते हो, किसी को आने देते हो, किसी को नहीं आने देते हो, तो that is selectively। और permeable का मतलब चूंकि ये permit कर रही है, तो permit से ही permeable word बना है। So permeable membrane, that is सेलेक्टिवली को सेमी भी बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। हाँ बोल बेटा। सर जो सर ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें पास और सेंटर रहते हैं, उनकी घर पे क्या सर ऑक्सीजन जो इसमें से इसके अंदर आ जा सके, तो किसी को आने देगी और किसी को नहीं आने देगी, तो इसमें जिसको आने देगी वो वाटर है, सिर्फ वाटर के बारे में बात है। ऑक्सीजन, अब जैसे ये कहो कि वो केजरीवाल वहाँ जेल में बंद है, तो मच्छर अंदर नहीं जा सकता जेल के, क्योंकि वहाँ बाहर है। ऑक्सीजन के लिए कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, गैसियस के लिए डिफ्यूजन है, लेकिन जो वाटर है उसके लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। तो मच्छर के लिए क्या जेल के दरवाजे कुछ कर पाएंगे? सो गैसेस हैज नो हिंड्रेंस ऑफ एनी डोर और एनी मेम्ब्रेन। तो गैस चाहे कैसा भी झिल्ली हो, हर एक से पास हो सकती है, उसके लिए परमिएबिलिटी की आवश्यकता नहीं है। सो दैट इज पास, हाउ द डिफ्यूजन है, पासेज ऑफ वाटर या पैसेज ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। उसे क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। गैस के लिए ऐसा कुछ नहीं है, अमीबा में भी जो उसके पास एक सेलुलर मेम्ब्रेन है, लेकिन हम कहेंगे कि गैस पास थ्रू, अभी अगला क्वेश्चन आने वाला है, इन अमीबा बाय डिफ्यूजन, बट वाटर पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब वाटर की बात करेंगे तो वहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिखेंगे। अब गैस कैन पास थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है गैस की तो बाहर चली जाएगी कोई, और कोई जो बाहर है वो अंदर से CO2 बाहर चली जाएगी। लेकिन इतना जान लो, जैसा हाना ने पूछा कि इनके थ्रू क्या पास कर सकता है, तो इनके थ्रू वाटर, तो कितना आएगा कितना जाएगा उसको कंट्रोल करें। ओके ना, तो इसका दूसरा नाम हमने अभी क्या बताया, सेमी। सेमी का मतलब हाफ, और इसका या फिर इसका दूसरा नाम है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, परमीएबल सर्टिसाइड
तो इसको सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन या फिर चूंकि आने जाने देती है तो अर्ध आधा आने देती है और आने जाने देती है तो पारगम्य झिल्ली। सो इससे पता चल रहा है आपको कि आने जाने दे रही है। सो इट कंट्रोल्स या इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर। अभी उन्होंने पूछा ना, तो उसका सेंटेंस क्या बनेगा, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सर्टेन आयंस, सोडियम और पोटेशियम। तुम वाटर लिख लो, बाकी अगले क्लास में मिलेगा। इट रेगुलेट्स, जैसे तुम्हारे स्कूल में कौन रेगुलेट करता है लोगों का आना जाना, चपरासी, आओ तुम, आओ तुम, जाओ तुम, आओ। इट रेगुलेट्स, ये किस, ये रेगुलेट कौन कर रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इट। कर सकते हो, अगले क्लास में जाएगी सोडियम और पोटेशियम आयन को भी। अब जरा देखो, ये तो तुम्हें पता चल गया। ओके, सो दो अलग अलग चीजें देखेंगे नाउ। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को देवांश ने बताया, वो बहुत काम की बात थी, अब वो प्रश्न के रूप में आ गई है। सो और ये बुक का ही क्वेश्चन है, हाउ डस द मूवमेंट ऑफ गैसेस एंड वाटर टेक्स प्लेस। How does the movement of gases and water takes place in amoeba? Amoeba क्या है? Unicellular eukaryotic protozoa। देखो protozoa तो तुम्हें मालूम है, दो तरीके के जानवर हैं, एक हमने प्रोटोजोआ बताया था, एक मेटाजोआ बताया था कि नहीं बताया था, नहीं बताया। तो इस तरीके से जो जुआ है, जुआ का मतलब जू, एनिमल, एनिमल दो तरीके के हैं, एनिमल जू से बना है, ठीक है। तो या तो हो गया प्रोटो जुआ और या फिर क्या हो गया मेटाजोआ। तो हम सब मेटाजोआ है जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का मतलब समझते हो एडवांस है, और प्रोटोजुआ जो अमीबा पैरामीशियम सिंगल सेल जो होते हैं वो सभी हैं, अमीबा, अमीबा पैरामीशियम, और क्या हो सकता है यूब्रीना, मेटा जो हमें डॉग मैन जो मल्टी सेलुलर है वो सब आ गए। इसमें देखो अमीबा को तुम जानते हो इस तरीके से होता है, क्या तुम्हें पैरामीशियम मालूम है ऐसे होता है, सुलर, और यूब्रीना ऐसे होता है, सही है। तो ये सब सिंगल सेल है, क्योंकि ये हमारे पूर्वज हैं तो हम इनको कहते हैं प्रोटोजुआ, पहले एनिमल, दैट इज अर्ली एनिमल्स, और हम लोग मेटाजुआ है। तो जब यहाँ पर बात की गई अमीबा, तो अमीबा किस कैटेगरी में, प्रोटोजुआ। बहुत सारी चीजें तुमने पढ़ी होंगी एर्थ में भी, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंगी पढ़ा होगा, फंगी है, प्रोटोजुआ पढ़ा होगा, इसके अलावा एल्गे पढ़ा होगा, ये सब पढ़े होंगे, और दो कौन से पढ़े हैं, तुम क्वेश्चन में इंटरेस्टेड हो, तुम चीजें नहीं सुन रहे हो, पांच कौन कौन से है, दैट इज एल्गे हो गया, ये सारी चीजें पढ़ी है। तो प्रोटोजुआ उनकी एक कैटेगरी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक कैटेगरी क्या है, जो सिंगल सेल यूकैरियोटिक। तो हम अभी दैट इज एस परजीलस है, वो फंगी है। सर प्रोटोजोआ में लास्ट में एन आता है, प्रोटोजोआ सर लास्ट में एन आता है, प्रोटोजोवन और प्रोटोजोआ वो सिंगुलर और प्लूरल आए ना, जैसे मीडियम मीडिया, ऐसे फंगस फंगी, तो वो ऐसे बनता है कि नहीं, रेडियस रेडाई आता है तो आ जाए, हमने प्लूरल में लिखा है सिंगुलर में लिखा। चल इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। सो दैट इज हाउ डज द मूवमेंट, अब लिखो आंसर, अमीबा में कैसे होता होगा। तो अमीबा इज
ओके, अमीबा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल, आप जरा देखो जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारे में क्या तुम ग्लूकोज को तोड़ते हो? इससे क्या होगा, क्या CO2 बन जाती है, ये सब वेस्ट बनता है, लेकिन इन दोनों से साथ में बहुत सारी एनर्जी बनती है, तो वो एनर्जी उसी से तो सारा काम होता है। अब जरा देखो जो ये CO2 बनी, तो ऐसे अमीबा भी सांस लेता होगा, और इस प्रोसेस को देवांश क्या बोलते हो? तो ये ग्लूकोज का तोड़ना ही तो क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। तो जब अमीबा भी अंदर ऐसे ग्लूकोज तोड़ता होगा तो क्या इसके अंदर CO2 बहुत ज्यादा है? और उसको सांस लेने के लिए किस गैस की जरूरत है? तो थोड़ी O2 भी है इसके अंदर, थोड़ी CO2 बाहर है, तो बोलो बाहर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर किसकी है? CO2 की। इतनी बात समझ आ गई? सो अमीबा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल। ओके, नाउ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन अमीबा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अपने आप जो होता रहे। ये बात तो समझ आ गई ना? अब जरा देखिए, अपने आप हो रहा है स्पॉन्टेनियस, मतलब गैसियस एक्सचेंज। सर अमीबा एनिमल कैसे हुआ? देखिए ये जुआ है, दैट इज प्रोटोजुआ, ठीक है। दो तुम्हारे जो पांच कैटेगरी हैं, मोनेरा, फिर इसके बाद क्या हुआ, एल्गे, मोनेरा प्रोटोजुआ हो गया, फिर इसके बाद एल्गे और प्लांटे। तो ऐसे बोला जा रहा है, ये शुरुआती किसी ने कार्लस लिनास ने पहले ऐसे इसकी कैटेगरी की थी तो जुआ बोल दिया था, अदरवाइज आप इसको एनिमल ना बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग मेटाजुआ को एनिमल बोल रहे हैं, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, बट नाम में इसके प्रोटोजुआ ही आएगा। इसके नाम के लिटरल मीनिंग में आ रहा है कि पहले वाले एनिमल, क्योंकि अपना खाना तो खुद बना नहीं रहा है, ये पैरामीशियम को खा रहा है, अदरवाइज जो फाइव किंगडम सिस्टम है उसे एनिमेलिया में नहीं रखा गया है, तो उसमें मोनेरा प्रोटोजोआ है और बाकी कैटेगरी है फंगी, प्लांटे और एनिमल। तो एनिमल मतलब कि अभी नहीं है, लेकिन ये पहले की कैटेगरी है, अभी भी इसको तुम कहीं पढ़ोगे तो उसमें कार्लस लिनास के तो इस पर चलता है। तो तुम जुआ के नाम से जान जाओ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें याद रखने में, एटिमोलॉजी से याद रखने में आसानी रहती है ना कि मूल शब्द की इतिहास क्या है। तो इसका इतिहास क्या कह रहा है? शुरुआती एनिमल, एनिमल उन्हें माना गया था शुरू में जो खाना नहीं बनाते हैं, जो खाना नहीं बनाते एनिमल, जो बनाते हैं प्लांट, पहले दो ही कैटेगरी, तो उसके नाम पे इसे प्रोटोजुआ कहा गया। आज फाइव किंगडम सिस्टम है जो अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, इनकी बात ध्यान रखेंगे, ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, है ना, तो उसको बीच में हम ले लेंगे। चलो अब ये देखिए, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन अमीबा थ्रू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन साइड अमीबा। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 is more, so it diffuses out. ऐसा तो diffusion हमने आपको chapter number 1 पे भी बताया था कि spontaneous movement of particles from higher concentration to lower, ये तो जानते ही हो। अब ये देखो, तो ये बाहर चली जाती, CO2 कहाँ चली जाएगी बोलो? बाहर। And concentration of O2 outside the cell amoeba is more, so it diffuses in. ये बात समझ आ गई नहीं? बाहर O2 जाता है तो डिफ्यूजिंग हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? फिर से समझो, इन साइड अमीबा देखो CO2 ज्यादा दिख रही है, बाहर एक ही है। इन साइड अमीबा CO2 ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसने देखो रेस्पिरेशन किया, रेस्पिरेशन क्या हुआ तो बहुत सारी CO2, हमारी भी बॉडी में CO2 निकलती है, हर सेल रेस्पिरेशन करता है, तो क्या तुम CO2 बाहर भेजते हो? हम ब्रीदिंग आउट से भेजते हैं, ये ब्रीदिंग आउट से नहीं भेजता, इसके पास नॉस्ट्रिल्स नहीं है, इसके पास तो सेल मेम्ब्रेन है, उसी से सब काम करना है,
तो अंदर अमीबा के किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है? सो इट डिफ्यूजेस आउट, और आउटसाइड जो पानी में तैर रहा है वहां किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है? ओ2 की, तो वो डिफ्यूजिंग हो जाए, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन गैसेस के लिए नहीं है, गैसेस एक्सचेंज का मतलब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, गैस जैसे कहो मच्छरों के लिए जेल की बाहर नहीं होती कोई, तो गैस का मूवमेंट अपने आप हो रहा है, बस उसके लिए जो उसके परमिएबल मेम्ब्रेन के छेद हैं वो बहुत बड़े हैं, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं, वो अपने आप फ्री दिया जा रही है, सिर्फ इट इज ए मूवमेंट हायर से लोअर का ना, जैसे यहाँ पर अगर बत्ती की इंसेंस स्टिक है तो वो वहाँ इसलिए फैल जाती है क्योंकि वहाँ पर इंसेंस स्टिक इसमें नहीं है, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन स्पॉट, तो ये इंटरमिक्सिंग ही हो रही है। तो ऐसा होगा नहीं, जैसे हम लोगों में भी जब भी कोई जिंदा चीज है तो उसके अंदर लगातार CO2 बनती ही रहेगी क्योंकि उसके अंदर ये काम होता रहेगा, तो वो O2 लेता रहेगा, अगर O2 गलती से पहुंच भी गई तो रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी, फिर वो और लेगा और CO2 बनती जाएगी, तो ये काम तो होता ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि कभी अंदर हो, क्योंकि वो जीवित है, वो लगातार ये काम कर रहा है, ग्लूकोज को तोड़ रहा है ना। तो अब देखो इनसाइड अमीबा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज मोर सो इट डिफ्यूजेस आउट, हर्षिता अगला सेंटेंस बोलो, व्हाइल बोलो, हाँ बोलो, हाँ ये तो हमने बता दिया कि CO2 डिफ्यूज आउट होती है, आदित्य अगला तो बोलो ना, व्हाइल वहाँ बोलो द ऑक्सीजन कम्स इनसाइड द अमीबा डिफ्यूजेस इन, हाँ व्हाइल कंसंट्रेशन of O2 outside is more, so it ये क्या होगा diffuses in, ये तो तुमने बात कर ली है gases exchange की अदिति, अब हम किसकी बात करेंगे water की, तो movement of water is regulated, regulated का मतलब कितना अंदर आना है कितना बाहर जाना है through the process of ऑस्मोसिस, ये किस प्रोसेस से होता है? ऑस्मोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, सर इसे भी डिफ्यूजन ही कहते हैं, एक तरह का डिफ्यूजन ही है, तो क्योंकि वो उसके थ्रू हो रहा है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द स्पेस से ऑस्मोसिस के, देखिए मूवमेंट ऑफ वाटर सर इसी का पार्ट है। अब उसने पूछा है कि गैस और वाटर का कैसे एक्सचेंज होता है अमीबा में, तो तुम कह देना गैस का तो कोई इशू नहीं है, अगर अंदर CO2 ज्यादा होगी तो बाहर निकल जाएगी, वो तो इंटरमिक्सिंग हो रही है, और बाहर O2 ज्यादा है तो अंदर आ जा रही है, वो इंटरमिक्सिंग हो रही है, लेकिन हम कह रहे हैं अरे अंदर आ गई बाहर चली गई, तुम भी घर में सांस लेते हो CO2 निकल जाती बाहर से आ जाती ताजी हवा, तो उसके लिए कोई दरवाजों की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा, लेकिन जब वाटर की बात आती है तो मूवमेंट ऑफ वाटर ठीक है इज रेगुलेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, रेगुलेटेड इसलिए कह रहा हूं कि कितना आना ये खुद तय करेगा, रेगुलेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ, अब ऑस्मोसिस समझे, डिफ्यूजन तो तुम्हें समझ में आ गया है और ऑस्मोसिस भी समझे, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, तो जो पहले चैप्टर की डेफिनेशन थी डिफ्यूजन की उससे यहाँ की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है, देखो डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑन देयर ओन को भी स्पॉन्टेनियसली भी कहते हैं, इस कॉल्ड इसी को विसरण कहा जाता है, डिफ्यूजन ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑन देयर, कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन का मतलब है सांद्रता, जहां उसकी कंजेस्टेडनेस ज्यादा हो,
मतलब मोर कंजेस्टेड, एक होता है कंजेस्टेड, एक होता है रेयरिफाइड, मतलब जहाँ दूर दूर हो वाइड अपार्ट। कंसंट्रेशन का मतलब है इफ द पार्टिकल्स आर मोर इन नंबर, तो उसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन। बात समझ आ गई? और दूर दूर हो जाए तो वाइडर अपार्ट हो जाएंगे। सो कंसंट्रेशन का मतलब क्या बताया गया, कंजेस्टेडनेस, कंजेस्टेडनेस। अब ये देखो ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। सर ऑस्मोसिस गैस के लिए, वाटर के लिए ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब इसे समझे क्या कह रहे हैं, गैस के लिए डिफ्यूजन है, गैस के लिए कोई ऐसी मेम्ब्रेन नहीं बनी है जो उसे रोक सके, वो अपने आप आगे की जाएगी। प्लांट की या एनिमल की कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन नहीं है जो उसे रोक सके, ऐसे प्लास्टिक वेस्टिक बना दो तब तो ठीक है, लेकिन जो एनिमल बेस्ड मेम्ब्रेन है वो गैस को नहीं रोक पाती, वो आने जाने देती क्योंकि उसको तो गैस चाहिए ही चाहिए। अब जरा देखो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्या तुमने कभी देखी है? हाँ, आलू खीरा ककड़ी भिंडी हर प्लांट की कोई भी फांक है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। प्याज एनी स्लाइस किसी भी काट दो, इवन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें तो खीरा, खीरा के एक फांक काट दो, आलू कुछ भी, ऑल प्लांट्स आर सेमी परमिएबल। कोई भी लेयर, कोई सब्जी टेढ़ी मेढ़ी काट दो वही सेमी परमिएबल। तो एक आलू की स्लाइस काट लो, ये तुमने एक आलू की स्लाइस काट ली और आलू की स्लाइस काटने के बाद इसको ऐसे लगाओ किसी में, पार्टीशन कर दो बीच में, तो अब इसमें एक तरफ तुम पूरा वाटर रखो और ये पूरा वाटर है, और जबकि दूसरे में पानी के साथ चाशनी भी रख दो, शुगर सीरप, ये वाटर है, ठीक है, और दूसरी तरफ वाटर तो होगा लेकिन वाटर में चाहे तुम सॉल्ट मिला लो या कुछ मिला दो, तो ऐसी स्थिति में शुगर मिला दीजिए, तो बता सकते हैं आपकी वाटर कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है? शुगर वाले साइड। जैसा कि रियान ने बताया कि शुगर वाले साइड कम है क्योंकि वहाँ शुगर भी मिक्स्ड है, और ये पानी प्योर है तो यहाँ वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ वाटर ही वाटर है। जैसे मैं कह दूं कि 100 आदमी को 100 भेड़ों के साथ रख दो और 100 आदमी प्योर हो तो किधर आदमियों की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? तो जहाँ 100 आदमी होंगे वहाँ ज्यादा होगी कि नहीं, और जो भेड़ों के साथ रख दिया जाए वहाँ तो नहीं ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात की नहीं? वेयर द वाटर कंसंट्रेशन इज मोर, वेयर द प्योर वाटर इज देयर, वहां ही तो ज्यादा है पानी, तो यहाँ से पानी इसके थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर आने लगेगा, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। और थोड़ी देर में तुम देखोगे कि यहाँ वाटर का लेवल कम हो गया है और यहाँ वाटर का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये जो है ये मूवमेंट जो हो रहा है वाटर का यहाँ से यहाँ, इट इज द ऑस्मोसिस। समझ आ गई? तो अगर एक और भी प्रतिकरण कर सकते हो, लास्ट में ये प्रतिकरण है, तो मान लीजिए आलू में एक स्कूप आउट कर दो, ये देखो, और इसके बाद इसे एक बर्तन में रख दो, तो और इसमें ये कच्चा आलू है, तो क्या कच्चा आलू सेमी परमेबल है? पका लोगे तब सेमी परमेबल नहीं, लेकिन कच्चा है, और इसके अंदर बहुत सारी चीनी के पार्टिकल रख दो, तो तुम अब बाहर वाटर रख दिया तो थोड़ी देर बाद तुम क्या देखोगे बोलो, वाटर कंसंट्रेशन चीनी घुल जाएगी क्योंकि आलू की तो थोड़ी गीली होती है, तो थोड़ा घुल जाएगी, लेकिन बताओ वाटर कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है कि यहाँ? बाहर ज्यादा है, तो थोड़ी देर में ये वाटर इसमें आने लगेगा और ये पूरा भर जाएगा क्या? तो ये प्रोसेस होगा। समझ आ गई बात? तो इस चीज को कहते हैं ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हायर कंसंट्रेशन है, टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस।
मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू सेमीपरमेबल इज नोन एज ऑस्मोसिस. द प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स ऑफ बस पार्टिकल्स ठीक है which particles of higher concentration moves out to lower concentration is known as diffusion. Process in which particles move from higher concentration to lower concentration is called spontaneous movement of gases through higher. ये बता दे गैस भी बोल दिया और अच्छा ही कर दिया वरना ये इन जनरल है और गैस बोल दिया अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था कि वाटर भी डिफ्यूजन है लेकिन वो उसके थ्रू हो रहा है तो इसीलिए पार्टिकल बोलना ठीक है क्योंकि उसमें फिर दोनों ही आ जाएंगे. So osmosis is a special kind of diffusion, जैसा इन्होंने बता दिया या special case of diffusion. समझ आई बात? यहाँ लिख सकते हैं osmosis कोई पूछे टीचर तो क्या लिख सकते हैं क्योंकि ये किसी सेमी परमिएबल के थ्रू हो रहा है तो इसे क्या लिख देंगे osmosis is special case of diffusion. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑल वेजिटेबल स्लाइसेस आर सेमी परमिएबल या हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन ले लो तो हार्ट का जो उसके ऊपर पैकिंग है या किडनी का है किसी वो सब सेमी परमिएबल हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ सेमी परमिएबल ठीक है. तो इसलिए एग्जांपल हो गया स्लाइसेस ऑफ वेजिटेबल ऐसा हो सकता है और इतना लिखना ठीक है. फिक्स ब्लैडर पार्चमेंट पेपर आपके लिए. हाँ बोलो सर जो पोटैटो का जो स्लाइस है तो सर इस तरफ अगर ज्यादा पार्टिकल्स है तो फिर जहाँ पे शुगर सॉल्यूशन है वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन क्यों है? वहाँ ज्यादा नहीं है क्योंकि शुगर को आने नहीं देगा ये पानी को आने देगा और पानी ज्यादा किधर है बताओ पानी जहाँ पर प्योर वाटर है वहीं पानी ज्यादा है. पर सर आपने उस तरफ शुगर भी था और शुगर है या सॉल्ट भी डाल दो पानी तो पानी कमी रहेगा. अगर तुम क्या शुगर और पानी में से खूब पानी उड़ा दो तो लास्ट में जो गाढ़ी चाशनी बचेगी उसमें कितना पानी होगा बहुत थोड़ा सा और एक तरफ पूरा पानी ही पानी रख दो ये तो बहुत बड़ी बात है. इन्होंने कहा ये देखो इनकी तुम बात सुनोगे तो हमेशा तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा. इन्होंने कहा ग्रेप को सीरप में डाल दो और ग्रेप को सीरप में डाल दो तो बोलो ग्रेप में पानी ज्यादा है कि सीरप में? सीरप में. ग्रेप में क्योंकि चाशनी बहुत गाढ़ी होती है और ग्रेप के अंदर तो थोड़ा बहुत ही मीठापन है तो इससे किशमिश बनती है. ग्रेप का सारा पानी बाहर चला जाएगा क्योंकि बाहर गाढ़ा चाशनी है. सीरप समझते हो चाशनी जो वो जलेबी वाली होती है तो अब ग्रेप से पानी बाहर निकल जाएगा और इस तरीके से किसमें बदल जाएगी रेजिन. किससे बदल जाएगी? रेजिन. और थोड़ा और देख लो किशमिश को तुम पानी में डाल दो तो क्या होगा? तो ये वाटर है तो अंदर बोलो पानी ज्यादा कि बाहर? तो ये ग्रेप बन जाएगा. वही जैसे तुम किशमिश डालते हो ना खीर में तो जब तुम सुबह खाओगे तो वो ग्रेप ही हो जाता है. ग्रेप और किशमिश बस सूखा वाला ही है उन दोनों में कोई फर्क नहीं. अभी वीडियो दिखाएंगे ठीक है. तुमने चटनी खाई भी होगी अंगूर की तो वो किशमिश डाली जाती है अंगूर बन जाता है. कंसंट्रेशन मान लो इसी कमरे में तुम 10 आदमी के साथ 50 भेड़े रख दो और दूसरे कमरे में 60 आदमी रख दो आते तो उतनी ही जगह में. बोलो यहाँ कंसंट्रेशन पानी की ज्यादा कि वहाँ? बस जो आना उतने में आना. यहाँ वहाँ तुम्हें 10 आदमी ढूंढने पड़ेंगे वहाँ तो आदमी ही आदमी है. तो यहाँ पर अगर वाटर के साथ तुमने शुगर भी डाल दिया साल्ट भी डाल दिया तो पानी के पार्टिकल मिलेंगे कहाँ? वहाँ तो पानी है दूसरा चीज वाटर. तो वाटर कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा हुई कि यहाँ? ये क्योंकि यहाँ वाटर ही वाटर है. यहाँ तो वाटर के साथ जैसे गेहूं के साथ चावल दाल सब मिला दो तो गेहूं ढूंढते रहो उसे. कंसंट्रेशन का मतलब है इन ए डेफिनेट वॉल्यूम हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट दैट इज कंसंट्रेशन. वो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है. लो बता दिया कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर लीटर ऑफ वॉल्यूम इज नोन एज कंसंट्रेशन. नई चीज सीखनी तो फिर इन्हीं के पास हम लोग आना पड़ेगा. हाँ बोलो. तुम किसको हायर कंसंट्रेशन समझ रही हो? वहाँ है हायर. वहाँ पार्टिकल्स वाटर के रेयरर है. यहाँ ये हायर कंसंट्रेशन.
यहाँ ये हायर कंसेंट्रेशन क्यों है? हायर कंसेंट्रेशन किसका? हाँ, सो हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। अगर तुम एक ग्लास चीनी में 2 चम्मच पानी डाल दो तब भी वो मिल जाएगा, ये 4 चम्मच, और एक ग्लास पानी लो तो पानी किस में ज्यादा है? शुगर। वहाँ 2 चम्मच डालने पर वही ज्यादा है पानी। पानी तो जो प्योर ग्लास है उसमें पानी ज्यादा है। सो यानी आज ये समझ लीजिए, 1-2 ग्लास पानी लो और 1 ग्लास में 1 चम्मच चीनी डालो, 1 में 2 चम्मच चीनी डालो, तो बोलो वाटर की कंसेंट्रेशन अब किस में ज्यादा है? 1 चम्मच चीनी को। ये समझ आए कि नहीं? कि जिसमें 1 चम्मच चीनी है तो उसमें चीनी और उन दोनों के पार्टिकल को देखो, तो हर एक चीनी पे तुम्हें 4 पार्टिकल मिल जाएंगे, जिसमें ज्यादा चीनी पड़ी है उसमें बीच बीच में कमी पार्टिकल है। कंसंट्रेशन का मतलब है द कंजेस्टेडनेस, या ये कह सकते हैं कि हाउ मैनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट पर यूनिट या पर मीटर क्यूब, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक होता है, जैसे मान लीजिए कि तुमने कोई एक एसिड लिया और एसिड में बहुत सारा पानी डाल दिया तो उसको कहते हैं वो डाइल्यूट एसिड हो गया। और जो प्योर है, कंसंट्रेटेड का मतलब है प्योरिटी, तो जो प्योरिटी है उसको कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं, और बहुत सारा अगर उसको डाइल्यूट कर दो, पानी मिला दो, तो वो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। तो यहाँ पर प्योरिटी किस में जा रहा है? वाटर यहाँ प्योर है तो हायर कंसंट्रेशन, यहाँ अबंडेंस ऑफ वाटर है, यहाँ लेस वाटर है तो इसमें जा रहा है। तुम कंसंट्रेशन तो वर्ड याद रखो, फिर या ये कह सकते हो हाँ कंसंट्रेशन वर्ड ही याद रखना पड़ेगा। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब आगे एसिड जिसमें से पानी की लेवल को वो उससे कौन से सॉल्यूशन डाइल्यूट, वो छोड़िए अभी तो सर। अब यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गई डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझ में आ गई। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ वाटर इज रेगुलेटेड इन अमीबा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ये तो आपने लिख दिया। अब यहाँ देखिए कि थ्रू सेमी परमेबल, इससे ज्यादा लिखना नहीं है। अब वो अमीबा, इट इज एज पर डिस्क्रिप्शन, अमीबा पानी लेता है कि देता है, अगर उसके अंदर पानी कम हो गया तो ले लेगा और नहीं तो ज्यादा हो गया तो दे देगा, क्योंकि इस प्रोसेस में वाटर भी बन रहा है। तो क्या वो वाटर, हम लोग हैं तो यूरिनेट कर देते हैं, अमीबा को तो बाहर छोड़ना पड़ेगा ना, तो इस तरीके से वो अमीबा अपने इस झिल्ली से बाहर छोड़ रहा है, ठीक है, मेम्ब्रेन से। सो ये किसके थ्रू होगा? थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। Now, अब एक और चीज देखिए, what does it mean by, ये तुम्हारा क्वेश्चन पूरा हो गया। देखो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, what is सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ऐसे तो रिपीट करो, ड्राइंग करो लक्षिता, द मेम्ब्रेन विच बुक में सम ही लिखा है तो मैंने सभी लिखा है, फिर से पढ़ लो, ठीक है, सम मटेरियल। देखो चौथी लाइन लिखी है, विच अलाउज सम मटेरियल्स टू पास थ्रू इट, सेमी को तुम सेलेक्टिव भी लिख सकते हो, वास्तव में बुक में सेलेक्टिव लिखा है ना, दोनों एक ही बात है। While this allows other particles to pass through, this allows में दो assign है कि एक check करूँ, एक आता है, ठीक है, this allows other particles to pass through it is called सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। ऐसे ही पूछते रहते ना, तुम्हें पूछने की हॉबी है,
सेकेंड क्वेश्चन डिफाइन ऑस्मोसिस टेस्ट है डिफ्यूजन सेमी परमिएबल इतना करो ये कर लो फिर हुआ होगा मंडे को